भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में सरवाड़ शहर में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जो सरवाड़ बस स्टैंड से शुरू हुई, जो रेगर मोहल्ला, माली मोहल्ला, बड़े मोहल्ला के होते हुए दरगाह, मेला चौक व विभिन्न मार्गों के होते हुए शहर भर में जन आक्रोश रैली निकाली गई। जन आक्रोश रैली खीरिया गेट स्थित तेजा मेला चौक और दरगाह मेला चौक दो जगह आम सभा को संबोधित किया और सरकार की कमियों के बारे में अवगत करवाया। भाजपा नेता राजेंद्र विनायक ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है और इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को टोल फ्री नंबर नोट करवा रहे हैं ताकि लोग उस टोल फ्री नंबर पर अपनी समस्या नोट करवा सके। आज सरवाड़ में जन आक्रोश रैली निकाली गई है, मेला चौक और दरगाह बाजार में आम सभा को संबोधित किया है और सरकार की कमियों को इन्होंने गिनाया है और जन आक्रोश रैली के माध्यम से लोगों के जो जागरूक कर रहे हैं और टोल फ्री नंबर लोगों को देकर सरकार की कमियों के बारे में ये जागरूक कर रहे हैं और ये जो जन आक्रोश रैली ये निकाल रहे हैं, इनकी क्या इसको लेकर क्या तैयारियाँ है और आगे की क्या तैयारियाँ रहेगी, इसी को लेकर आज हम इंदू जी से बातचीत करेंगे। 1 दिसंबर से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इन 200 विधानसभाओं में 200 रथों को रवाना किया। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में हर विधानसभा में इस प्रकार का जागरण का एक रथ हम चला रहे हैं। इसमें और क्षेत्र के सभी जमी प्रमुख जनप्रतिनिधि, सभी नेतागण और कार्यकर्ता व आम जन का हम इसमें भागीदारी कर रहे हैं। ये जो नंबर मिस कॉल है, ये टोल फ्री है, शिकायत पत्र है, इनके माध्यम से हम चाहते हैं कि राजस्थान में हम लगभग 15-20 लाख पत्रक शिकायतों के लेकर के और अशोक गहलोत के घर पे जाकर के ट्रक भर करके डालेंगे और इस यात्रा का समापन जयपुर की धरती पर होगा। हमारे विधानसभा स्तर पर 18 दिसंबर को हमारी तैयारियों को लेकर के ये जो जन जागरण चल रहा है, 18 दिसंबर को हमारे यशस्वी डॉक्टर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी केकड़े की धरती पर आएंगे पटेल मैदान पर और वहाँ ऐतिहासिक एक सभा होगी, तब हमारा समापन होगा। हम आज अल्पसंख्यक मोर्चा ने सरवाड़ में और सरवाड़ के जो भी 5-7 मंडलों में जो अलग अलग जगह पर हमारी नुक्कड़ सभाएं चौपाले हुई है, इसके माध्यम से हम मात्र जनता से संवाद करना चाहते हैं, पत्रक बांट करके उनकी समस्या लेकर के बाद में हम चाहते हैं कि अगर जो प्रमुख समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिसंबर में, अगले साल के दिसंबर में जो चुनाव होगा उसमें उन समस्याओं को घोषणा पत्र में भी शामिल करें और आने वाला जो भारतीय जनता पार्टी का समय आएगा 5 वर्ष बाद, उन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन समस्याओं का निराकरण हो। इसीलिए केकड़ी विधानसभा के सभी प्रमुख लोग और आज यहाँ पर सरवाड़ में भी हर वर्ग की चौपाल कर रहे हैं, किसानों की चौपाल है, युवाओं की चौपाल है, महिलाओं की चौपाल है, अल्पसंख्यक मोर्चे की जो ये चौपाल, जो भाजपा के पूर्व प्रत्यक्ष रहे राजेंद्र विनायक जी से भी बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे वो? भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा एक एक रथ के माध्यम से निकाला जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा में एक रथ पूरे 10 दिन तक 3 तारीख से 13 तारीख या 4 से 14 तारीख तक घूम रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेतागण, सभी प्रमुख कार्यकर्ता, छोटा सा छोटा बूथ स्तर का कार्यकर्ता सक्रिय होकर के आम जन को कांग्रेस की जो ये अशोक गहलोत की नाकारा और निकम्मी और निरंकुश सरकार है, बाड़ेबंदी की सरकार है, इसके खिलाफ जो माहौल है जनता को जागरूक करके और इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम सब लेकर के निकले हैं और जनता को इसी के माध्यम से बता रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत से सरवाड़ के लिए मैं इकबाल हूं।